रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था ऑन टॉप 5 स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस। उसमें मैंने एक्चुअल में कंपैरिजन किया था यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी के बीच में। तो इन 5 कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन किया था। दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो, बट इवन इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, कंप्लीटली फाइन। इस वीडियो के एंड पे आपको उसकी भी एक लिंक मिल जाएगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। बट अभी तक हमारा कंपैरिजन के हिसाब से यूएसए स्टैंड्स एट 14.5, कनाडा 14 पे था, ऑस्ट्रेलिया 15.5 पे था, जर्मनी 15.5 पे एंड यूके 16 पे था। तो बेसिकली यूके जीत रहा था, बट देर आर सो मेनी अदर पॉइंट्स जो हम लोगों ने उस वीडियो में बात की थी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर किया था, हम लोगों ने एक्सपेंसेस कवर किए थे, परमानेंट रेजिडेंसीशिप कवर की थी, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कवर किया था, वेदर कवर किया था एंड जॉब्स कवर की थी। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड बाकी कंपैरिजन पॉइंट्स लेने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वुड बी टैक्सेस। तो बेसिकली आप यूएस में 37% टैक्सेस पे कर रहे होगे, अंडर द मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट आप 37% टैक्सेस पे कर रहे होगे, कनाडा में 33%। बट बाकी जो 3 डेस्टिनेशंस है, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूके हो गया, यू विल बी पेइंग 45% टैक्सेस। सो अगर पॉइंट्स दिए जाए तो हम लोग देने वाले हैं यूएसए को 2 पॉइंट्स, कनाडा को 2.5 पॉइंट्स, यूके गेट्स 1, जर्मनी 1 एंड ऑस्ट्रेलिया 1। एंड इफ यू चेक आवर लीडर बोर्ड, यूएसए इज एट 16.5, कनाडा इज एट 16.5, ऑस्ट्रेलिया इज एट 16.5, जर्मनी इज एट 16.5 एंड यूके इज एट 17। ओके, तो अभी जो मैंने कंपैरिजन किया है, ऑलमोस्ट ऑल सब बराबर है, बट यूके थोड़ा सा आगे। Let's make it more interesting. Next point is entrepreneurship. And you guys know I'm such a big fan of entrepreneurship. मतलब सबको बोलता हूँ start करो business यार, max to max क्या हो जाएगा, fail हो जाएगा, fail भी हो जाएगा, तब भी you will have so much to learn from it. You will gain so much insights and आपकी profile कितनी ज़्यादा strong हो जाती है. And people still don't understand this. Anyhow, entrepreneurship is very important. And when we talk about United States में on you're on an F1 visa. और F1 visa पे you cannot do entrepreneurship on your own. तो बिजनेस व्हेन यू स्टडिंग यू कैन नॉट डू बिजनेस ऑन योर ओन, बिकॉज यू कैन बी अ पैसिव पार्टनर और अ पैसिव इन्वेस्टर, बट एक्टिवली आप प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हो सकते, रिटर्न्स नहीं कमा रहे हो सकते, किसी भी सेंस के रिटर्न्स नहीं कमा रहे हो सकते। हम लोगों ने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा कॉन आता है यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑन योर ओपीटी जो आपका एक साल का ट्रेनिंग होता है उसमें आप ये कर सकते हो, बट As such, एक साल के लिए बिजनेस आफ्टर यूर डन विद योर कॉलेज एंड आपने इतना ज्यादा एक्सपेंस किया होगा, नो वन डज दैट। तो दैट्स अ बिग मेजर प्रॉब्लम विद यूनाइटेड स्टेट्स। सो विद दैट यूनाइटेड स्टेट्स गेट्स सेंट अंडर। कैनेडा में इफ योर स्टडी परमिट अलाउज यू टू वर्क पार्ट टाइम देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो कैनेडा में दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर एट ऑल। एंड आई फील लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी। मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉइंट कंसिडरेशन में भी नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दस आई बी गिविंग इट 3 पॉइंट्स टू कैनेडा। ऑस्ट्रेलिया में ऑल यू नीड इज एन ABN एंड अ TFN नंबर एंड थोड़े से और रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इफ आई हैव टू गिव इट पॉइंट्स, इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, तो आई विल जस्ट गिव इट 2.5 पॉइंट्स। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है बट स्टिल वेरी मच पॉसिबल। जर्मनी में इफ यू कमिंग फ्रॉम अ EU स्टेट देन यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, बट इफ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू नीड टू मीट एनी ऑफ दीज 3 क्राइटेरियाज। So the first criteria is to have a valid residence permit or a work permit for self-employment. Second is to have a trade permit and third is to have a credible business idea. But then Germany na thoda sa isko restrict kar deta hai. Like you can work on your business only on part-time. वैसे एक्चुअली हर एक कंट्री बोलती है, बट जर्मनी इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी करता है। बट अगर देखा जाए एज अपोज टू यूनाइटेड स्टेट्स इट्स नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट, बट एज अपोज टू ऑस्ट्रेलिया इट्स नॉट दैट ईजी ऑल्सो। तो इफ यू हैव टू गिव पॉइंट्स टू जर्मनी लेट्स जस्ट गिव इट 2 पॉइंट्स ओनली। सो नाउ वी आर एट यूएसए 16.5, कनाडा 19.5, ऑस्ट्रेलिया 19, जर्मनी 17.5, यूके 17.5। ओ कनाडा बहुत अमेजिंग चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स कनाडा रैंक्स 10th, ऑस्ट्रेलिया रैंक्स 16th, जर्मनी रैंक्स 17th, यूनाइटेड स्टेट्स रैंक्स 163 एंड यूके रैंक्स समवेयर बिटवीन 20-30। तो इसके हिसाब से अगर हम लोगों को पॉइंट्स देने हैं तो आई विल बी गिविंग 1 पॉइंट टू कनाडा, 1 पॉइंट टू ऑस्ट्रेलिया, 1 पॉइंट टू जर्मनी, 0.5 पॉइंट्स टू यूके एंड यूएसए गेट्स A zero. Corruption index में almost all these countries are very close. Only United States is the 27th least corrupt country in the world. Apart from that, Germany is 10th और बाकी सारी countries UK 11th हो जाती है and Australia 12th हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा close है। तो अगर हम लोगों को points देने, every country gets 1 point,
and US gets 0.5 points. Okay, next is political stability. बहुत interesting होने वाला है, बहुत अच्छे से research किया मैंने इसके बारे में. तो let's understand political stability कहाँ पे है. अभी के हिसाब से UK में conservative party has won. And अगर conservative party के हम लोग policies देखें, उन लोगों ने क्या शुरू किया, point based immigration system शुरू किया. उससे क्या होता है, जो highly skilled employees है वो हमारी economy में आ सके. That is what point based immigration system actually means. उतना ही नहीं, उन लोगों ने दूसरी ब्रेग्जिट भी हो चुका है अब यूके में. इसका मतलब जो ईयू से इमिग्रेंट्स आने वाले थे उनका आना एकदम बंद हो जाएगा. अब वो ऑल ऑफ देम आर इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स, तो दैट इज अनदर गुड थिंग फॉर यूके. एंड जो थर्ड थिंग है, उन लोगों ने बोला है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स, जो वर्किंग वीजा पे है उन लोगों के लिए भी. तो जो ये सारी पॉलिसीज यूके की गवर्नमेंट अभी के टाइम पे कर रही है, दीज आर एन इंक्लिनेशन दैट दे वॉन्ट हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज इन देयर इकोनॉमी, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग. Provided they stay like this in the power. तो अगर इस basis पर हम लोग points दें and हम लोग points को 5 में से दें, तो I'll be giving 4 points to UK because this is actually a very good move for people who are moving to UK. USA में you have Democrats right now in the power and अगर कुछ भी हो जाए तो max to max Donald Trump can come back, but Democrats हो, Joe Biden हो या फिर Donald Trump हो, not much has happened for the Indian community. जो वहाँ पे PR, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे PR लेने जा रहे हैं, कुछ मेजॉरिटी मेजर डिफरेंस नहीं पड़ी है, इवन इफ डेमोक्रेट्स पार्टी में, डेमोक्रेट्स पावर में रहे. बिकॉज अगर हम लोग देखें, जो अभी भी टाइम है फॉर यू टू गेट अ ग्रीन कार्ड इन USA स्टिल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है. तो अगर हम लोग को पॉइंट्स ही देने हैं, 5 में से पॉइंट्स दे रहे हैं, तो वी वुड बी गिविंग इट 2 or 3 पॉइंट्स, बिकॉज द US इकोनॉमी नाउ इन इटसेल्फ इज नॉट रेडी टू टेक टू मेनी इमिग्रेंट्स. They are still taking very highly skilled computer science engineers. They are still taking very, very highly skilled athletes. वो सब सारी चीजें ये लोग ले रहे हैं, but अभी भी for other streams उतने ज्यादा open नहीं हुए हैं. And rocket science engineers को भी बहुत सारे ले रहे हैं, but अगर commerce side से आ रहे हैं तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला. तो if I have to give points US को out of 5, I'll be giving it 2 points because the economy is not accepting international people. अगर इसी जगह पे हम लोग पुरानी यूएस की बात कर रहे होते, जो आज से 20-30 साल पहले का यूएस है, बहुत ज्यादा वेलकमिंग था. अभी का देखा जाए, इवन द पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मोर इमिग्रेंट्स, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक चीज बनती है. ऑस्ट्रेलिया में लेटली स्कॉट मॉरिस ने जीता है, बट स्कॉट मॉरिस की पॉलिसीज के हिसाब से दे हैव कैप्ड द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स दैट दे विल बी टेकिंग इन. 160,000 पे उन लोगों ने कैप लगा दिया कि हम लोग परमानेंट माइग्रेशन के लिए ओनली 160,000 पीपल लेने वाले हैं. अब इसमें दो पॉइंट्स, मेजॉरिटी वहां से मेजरली बाहर निकल कर आते हैं. फर्स्ट इज दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल एरियाज. सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन को छोड़ के बाकी सारे एरियाज में वो डेवलपमेंट चाहते हैं. एज अ रिजल्ट, आप कोई भी पार्टी ले लो, दे स्टिल वॉन्ट इमिग्रेंट्स बट इन द रीजनल एरियाज, नॉट इन द मेन सिटीज. तो मेन सिटीज में इट इज गेटिंग टफर एंड टफर डे बाई डे, बट ऑन द अदर हैंड जो आपके रीजनल स्टेट्स है, कोई भी रीजनल सिटी हो, कोई भी रीजनल स्टेट हो, दे वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल. इसके अलावा दे हैव कैप्ड कि 70% पीपल विल बी कमिंग वाया स्किल्स. तो मतलब जो लोग स्किल्ड हैं वो 70% होंगे. सो लेट्स सपोज 160,000 में से 70% विल बी दोज पीपल जो बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड हैं. एंड 30% फैमिली के बेसिस पे आते हैं. लेट्स सपोज आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया, अब मैं अपनी फैमिली को भी ऑस्ट्रेलिया लाना चाहता हूँ, तो स्टिल 30% प्रोविजन है कि मैं उन लोगों को भी ऑस्ट्रेलिया ला सकता हूँ, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. अगर हम लोग देखा जाए बाकी कंट्रीज के हिसाब से, दैट इज स्टिल वेरी गुड. तो अगर पॉइंट्स देने, वी विल बी गिविंग 4 पॉइंट्स टू ऑस्ट्रेलिया, इवन दो इट्स गेटिंग अ बिट स्ट्रिक्टर विद सिटीज, बट अभी भी जो रीजनल एरियाज हैं उनके साथ बहुत ज्यादा लीनियंट है ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट यू हैव कनाडा. ओ कनाडा, ओह क्या अमेजिंग कंट्री है. जस्टिन ट्रूडो सेड इन एन इंटरव्यू कि अब हम लोगों को इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ देखना है, एंड इकोनॉमिक रिकवरी मोर इमिग्रेंट्स से हो सकती है. सो द पार्टी, जस्टिन ट्रूडोज पार्टी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली पार्टी, एज अपोज टू जो उनकी ऑपोजिशन है वो भी इमिग्रेशन को रोकना चाहती है, बट इतना ज़्यादा नहीं जो बाकी हर एक कंट्री में हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम कैनेडा दिस ईयर टुक 405,000 इमिग्रेंट्स. वाओ, वी हैव टू गिव पॉइंट्स टू कैनेडा. इस चीज में तो कैनेडा डेफिनेटली गेट्स 5. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. अगर जस्टिन ट्रूडो ने बेयरली भी जीता है, स्टिल दे कीप ऑन हैविंग द सेम अप्रोच टुवर्ड्स द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. होपफुली अगर कोई दूसरी पार्टी भी आए कनाडा में, दे
will have more or less काफी ज़्यादा lenient approach, not इतना ज़्यादा lenient but still comparatively better approach. Angela Merkel के time पे भी Germany में to get a permanent residencyship was a very defined process, but एक जगह problem आ जाती थी to convert your study visa into work visa, even if you have an offer, थोड़ा सा confusing, थोड़ा सा bureaucracy में चीज़ें फंस जाती थी. Olaf Scholz ने वो भी हटा दिया है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है इंटायर प्रोसेस. तो अगर देखा जाए जर्मनी में भी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट्स स्टिल वेरी वेलकमिंग बिकॉज जो पूरा प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है. आपको जॉब मिल गई, आपको काम करने को मिलेगा एंड एट द सेम टाइम अगर आप इंटरनेशनली भी पढ़ के आ रहे हो एंड जर्मनी में भी माइग्रेट करना चाहते हो और हाईली स्किल्ड हो, दे विल स्टिल बी टेकिंग यू. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जर्मनी में ही पढ़ कर आओ, अगर आप बाहर से भी आ रहे हो दे विल स्टिल बी एक्सेप्टिंग यू. तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इसके लिए आई विल बी गिविंग 4.5 पॉइंट्स टू जर्मनी. अभी के हिसाब से लीडरबोर्ड देखा जाए तो 19 फॉर यूएसए, 26.5 फॉर कनाडा, 25 फॉर ऑस्ट्रेलिया, 23.5 फॉर जर्मनी एंड 23 फॉर यूके. तो ऑब्वियसली कनाडा इज विनिंग उनके लिए. ओ कनाडा, आपने बहुत अमेजिंग किया है, बट अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. मतलब आई कैन गो ऑन एंड कीप ऑन मेकिंग अनदर वीडियो ऑन दिस provided you guys are enjoying this. तो अगर इस वीडियो को भी 500 likes आते हैं तो I'll make a third comparison video जिसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा एंड बाकी पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा. If you want to watch the previous video, you can watch it from here. This में मैं first comparison points के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर future का वीडियो देखना है तो you can watch it from here. इसमें मैं आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ only if this video has 500 likes. Thank you so much for watching.